हरनाकश राक्षस है, नरसिंह रूप परमात्मा का बनकर के वो ईश्वर वर्णिंकार आया, उसने हरनाकश का वध कर दिया, मार दिया, सब जानते हैं। प्रहलाद रोने लगा। नरसिंह रूप कहते हैं प्रहलाद रोते क्यों हो भक्त, मुझे ये रूप धारण करना पड़ा कि उसने वायदे लिए थे ना अंदर मरू ना बाहर, चौखट पे रख कर के मारा, ना अंदर ना बाहर, ना धरती पे ना आसमान पर, टांगों पर रख कर के मारा। वर लिया था ना धरती पर मरू ना आसमान पर, ना शस्त्र से मरू ना अस्त्र से, न खूनों से मारा है, ना रात को मरू ना दिन में, सुबह तो मैंने उस समय मारा है इस शाम के वक्त की बेला में, ना जानवर से मरू ना आदमी से, अब ना मैं जानवर हूँ ना आदमी हूँ, आधा आदमी हूँ आधा जानवर हूँ। तो परमात्मा कहता रहेगी बात मारने की, तो भक्त की रक्षा की खातिर मुझे आना पड़ा। प्रहलाद तूने पुकारा, आग से रक्षा की, कीड़ी बनकर खंभे पर चला, किसी को वचन दिया था जलेगी नहीं आग में, उसकी गोद में तेरे को बचाया, पहाड़ से गिराया वहां बचाया, अब जब पुकारा तुमने पुकारा हम चले आए। कहता भगवान ये ठीक है आपका धन्यवाद, पर दुख एक बात का है। किस बात का दुख है? अच्छा था या बुरा था मेरा पिता था, बाप था, जन्म देने वाला था। आज इतनी सी की कारण मुझे मिला, मेरा पिता चला गया। प्रभु क्या होगा? कहना प्रहलाद रोता क्यों है, तुम भक्त हो, क्या तुम्हें लगता है इसको मैंने मारा है ये नरकों में जाएगा क्या? नरकों में नहीं जाएगा, ये तो राम के गुरु ने भी कहा, मारना तो सब जानते हैं, ताड़का को मारा है तो अगर मार करके तारे तब मानो। राम ने ताड़का को मारा भी और तारा भी, तब गुरु की समझ में आया ये आम आदमी नहीं ईश्वर है। किसी की छाती के ऊपर उसका दूध पी करके खेलने वाला बालक गोपाल, जो मारने आई थी, गोपाल के दूध पीने से चल बसी, जिसकी छाती पर गोपाल खेल रहे होंगे, क्या वो नरकों में जाएगी? उसे जम ले करके जाएंगे? नानक राम कृष्ण में क्या फर्क है? अगर राम ताड़का को मार के तार सकते हैं तो क्या कृष्ण पूतना को मार करके डुबोते हैं? पूतना भी तर गई। अब खुद खुदा नरसिंह रूप लेकर के आया, तो क्या हरनाकश नरकों में जाएगा? दूसरी बात बेटा, जिस घर में एक भक्त पैदा होता है, मेरा एक सेवक पैदा होता है, उसकी 21 कुलें तो वैसे तर जाती हैं। लकड़ी के साथ लोहा भी तो तर जाता है, किश्ती जाती है, जहाज जाता है, उसमें सरिये कील लगे हुए होते हैं, लोहा कभी तैरता नहीं है, उसका संग करके तैर ही जाता है ना।
21 कुलों को तारने की समर्था रखने वाले ऐ मेरे सपूत, मेरे भक्त प्रहलाद, तुम्हारा पिता भी तर गया तुम्हारे नाम के साथ।